हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल वर्षा ब्लॉग्स एंड कुकिंग। आज हम बनाएंगे उड़द धुली और चने की दाल। उड़द धुली को मांस की दाल भी कहते हैं और ये हमने चने की दाल ले ली है। इसकी क्वांटिटी ये बड़ी कटोरी इसकी आधी कटोरी है और ये छोटे कटोरी की आधी कटोरी है। हम दोनों को एक बाउल में डाल लेंगे और दोनों को वॉश करेंगे और कम से कम एक घंटे के लिए हम इसे भिगोकर रख देंगे। उड़द की दाल को एक घंटा भिगोने या दो घंटे भिगोने से क्या होता है, इसमें जो चिकनाई चिकनाई होती है, जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती है, वो इससे इसकी चिकनाई दूर हो जाती है और जब ये बनती है तो वो चिकनापन इसमें नहीं आता है। इसलिए इसे एक घंटा या डेढ़ घंटा या दो घंटा भिगो कर रखना। देखिए, हमने दाल को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालकर इसे एक घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। ये देखिए, हमारी दाल को भीगे हुए एक से सवा घंटा हो चुका है। ये देखिए, हमारी दाल अच्छे से फूल चुकी है। ये देखिए, अब हम इसका पानी निथार लेंगे और इसे कुकर में डाल देंगे। ये देखिए, हमने अपनी दाल को कुकर में ट्रांसफर कर दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। ये हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, आप अपने तीखे के अनुसार डालें, जिस तरीके का तीखा आप खाते हो। ये हमने हल्दी लिया आधा चम्मच, नमक डालो स्वाद अनुसार। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे तीन से चार सीटी आने तक। देखिए, हमारी दाल में सीटी लग चुकी है। अब हम कुकर का ढक्कन खोलकर देखेंगे कि दाल कितनी पकी है। ये देखिए, हमारी दाल पक चुकी है। अब हम इसे 5 मिनट कुकर का ढक्कन खोलकर गैस पर ऐसे ही उबलने देंगे, जिससे ये दाल, पानी और दाल अलग अलग लग रही है तो ये आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी और दाल हमारी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। हमने कुकर को गैस पर रख दिया है। अब हम इसे 5 मिनट स्लो गैस पर ऐसे ही उबलने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और हमारी दाल अच्छे से, हमने कढ़ाई को गैस पर रख लिया है और इसमें तेल डाल दिया है। अब हमारा तेल गरम हो रहा है। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जैसे जीरा चटकने लगेगा, हम इसमें अदरक और लहसुन डालेंगे। जीरा हो चुका है, अब हम अदरक और लहसुन डालेंगे। लहसुन को हमने थोड़ा मोटा ही रखा है क्योंकि उड़द धुली दाल में लहसुन मोटा मोटा अपना एक अलग ही स्वाद बढ़ाता है, इसलिए हमने लहसुन को थोड़ा मोटा ही रखा है। हमारा लहसुन हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और इसे सुनहरा होने तक भूनेंगे। इसमें हम 3-4 लाल साबुत मिर्च भी डालेंगे। लाल साबुत मिर्च का तड़का दाल में एक अच्छा ही स्वाद लाता है। अब हम इसमें हींग डालेंगे। उड़द की दाल में हींग को हमेशा डालना चाहिए क्योंकि उड़द की दाल थोड़ी
बादी होती है और हींग उसे थोड़ा पचाने में मदद करता है, इसलिए हींग का इस दाल में हमेशा यूज करना चाहिए। हमारे प्याज पक चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। मसाले को भूनेंगे। मैंने इसमें दो मीडियम प्याज काटी हैं और दो छोटे छोटे टमाटर काटे हैं। देखिए हमारा मसाला भून चुका है, अब हम इसमें अपनी दाल को डालेंगे। हमने इसमें कोई भी सूखे मसाले ऐड नहीं किए हैं क्योंकि हमने दाल को बॉईल करते समय सूखे मसाले ऐड कर दिए थे। अब हम अपने दाल को तड़के में डालेंगे। देखिए हमने अपनी सारी दाल कढ़ाई में ट्रांसफर कर दी है, अब हम इसे तेज आंच पर 2 से 3 मिनट तक उबालेंगे ताकि हमारा तड़का दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है, अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। देखिए हमने अपनी दाल को एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। देखिए हमारी दाल कितनी अच्छी लग रही है और इसका जो हमने तड़का लगाया उससे इस दाल का स्वाद बढ़ गया है और ये दाल बिल्कुल भी चिकनी नहीं बनी है। अब हम इस पर हमने अपनी दाल को धनिया से गार्निश कर लिया है। आप भी इसी तरीके से दाल बनाइए उड़द की धुली और इसे इंजॉय करिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स में हमें बताना कि हमारी दाल